दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को अपनी ज़रूरत के हिसाब से कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए जो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है और उसको मैंने कैसे डिज़ाइन किया है और या फिर और भी किसी प्रोजेक्ट्स के लिए आप सर्किट्स को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊँगा। तो ज़रा किसी सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। सैनिटाइजर मशीन की बात करें तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट थी, उसकी रिक्वायरमेंट ये थी कि जब किसी पर्सन का हाथ मशीन के सामने आए तो सैनिटाइजर की कुछ ड्रॉप्स उसके हाथों पे गिरे जिससे कि वो अपने हाथों को सैनिटाइज कर सके। तो अब इसमें हमें यूँ समझिए कि एक ये हमारी ह्यूमन लैंग्वेज है, इसको मशीन ने कैसे समझा। तो हमें सबसे पहले क्या था, इसमें क्या हो रहा था, ये हमारा हाथों को डिटेक्ट कर रहा था, यानी एक ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर रहा था। तो हमें एक ऐसी मशीन बनाना है जो ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करे, किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करे और फिर कोई ऐसा ऑपरेटर हो जो पंप को या फिर कोई प्रेसिंग मशीन हो या कोई मोटर हो उसको ऑपरेट करे जितनी देर के लिए वो ऑब्जेक्ट मशीन के सामने रहेगी। यानी कि सीधे सीधे इसको यूँ समझिए कि जब कोई हाथ मशीन के सामने गया तो सैनिटाइजर की कुछ बूंद उस पर गिरी क्योंकि मशीन ने डिटेक्ट किया कोई ऑब्जेक्ट है और वो कंटिन्यू वर्क करने लग गया। अब इसको इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में ये देखिए, और हमें एक तो चाहिए हमें ऑब्जेक्ट डिटेक्टर, हमें एक ऑब्जेक्ट डिटेक्टर चाहिए जिससे हम ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेंगे और हमारा पंप ऑपरेट होगा। एक ऑपरेटर होगा, ऑब्जेक्ट डिटेक्टर ऑपरेटर को ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करके कुछ पावर्स देगा या सिग्नल देगा जिससे ऑपरेटर क्या करेगा, आगे एक पंप को, मैंने सर्किट में पंप यूज़ किया था, पंप या फिर कोई मोटर यूज़ कीजिए, किसी तरह भी हमें अगर हमने सैनिटाइजर मशीन प्रेस वाला यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम मोटर यूज़ करेंगे और वो ताकि वो उसको प्रेस करे। तो ये कुछ भी हो सकता है, पंप या मोटर। तो हमारा एक तो ऑब्जेक्ट डिटेक्टर होना चाहिए, एक होना चाहिए ऑपरेटर सर्किट और एक आगे जो पंप उसको जिसको ऑपरेटर ऑपरेट करेगा। तो अब हमें ये समझना होगा कि हम अपनी लैंग्वेज को इलेक्ट्रॉनिक्स लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करें। अब हम देखते हैं कि हम ऑब्जेक्ट डिटेक्टर कैसे बनाएं। तो देखिए ऑब्जेक्ट डिटेक्टर हमेशा इस पर्पस पे काम करता है कि एक ट्रांसमीटर होगा, मान लीजिए ट्रांसमीटर है, वो कुछ ट्रांसमिट करेगा सिग्नल और कोई ऑब्जेक्ट से टकरा के जब वो सिग्नल वापस आएगा तो रिसीवर पे आएगा और वो आगे सिग्नल भेजेगा किसी डिवाइस को, किसी सर्किट को। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट डिटेक्टर सर्किट होता है। ये हमारा आईआर भी हो सकता है और अल्ट्रासोनिक सेंसर भी हो सकता है। तो अल्ट्रासोनिक सेंसर तो बहुत महंगे होते हैं और ऊपर से उसको कोडिंग की ज़रूरत पड़ती है, प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो हम उस पर काम नहीं करेंगे, हम करेंगे आईआर पे। तो चलिए हम आईआर ऑब्जेक्ट डिटेक्टर का एक सर्किट बनाते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि आईआर ट्रांसमीटर और रिसीवर काम कैसे करता है। देखिए आईआर में हमें एक चाहिए, हम एक एलईडी यूज करते हैं, इस एलईडी को पावर देते हैं, ये ट्रांसमिट करता है, ये एलईडी आईआर एलईडी है जो आईआर रेज ट्रांसमिट करती है। उसी के पैरेलल साथ में हम आईआर रिसीवर लगाते हैं, ये ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है। अब जब कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वहां से टकरा के ये जो आईआर रेज होती है ये इस पे जाती है, फिर इस पे जैसे आईआर रेज पड़ती है तो इसकी रेजिस्टेंस जो होती है वो कम होनी शुरू हो जाती है। जैसे एलडीआर में लाइट पड़ने पे रेजिस्टेंस कम होती है और लाइट ना पड़ने पे रेजिस्टेंस बढ़ती रहती है, तो वैसे ये आईआर है ये सिर्फ इंफ्रारेड पे काम करता है। एलडीआर नॉर्मल कोई भी लाइट पे काम करता है, ये सिर्फ इंफ्रारेड पे काम करता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम, जैसे आपने एक सर्किट बना रखा होगा, कई सर्किट अगर बनाए होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने, जिसको हम कहते हैं ऑटोमेटिक लाइट, उसमें भी हम सेम ऐसे यूज़ करते हैं, बस यहाँ पे ट्रांसमीटर और रिसीवर आईआर को यूज़ कर रहे हैं हम। देखिए इसका सर्किट हम इस तरह से डिज़ाइन करेंगे, हम एक सबसे पहले तो हम एक आईआर ट्रांसमीटर यूज़ करेंगे, आईआर ट्रांसमीटर को हम यहाँ पे पावर दे देंगे 9 वोल्ट की या 9 वोल्ट 12 वोल्ट जो मर्जी। यहाँ पे एक रजिस्टर भी लगाएंगे ताकि वोल्टेज, यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे इसको 100 ओम्स या फिर इसे थोड़ा ज़्यादा, बस वो ख़राब ना हो, या माइनस 0 वोल्ट। इसके बीच हम इसको चलाएंगे
ये ट्रांसमिट करेगा। अब एक रिसीवर भी चाहिए हमें, तो हम यहाँ पे लगाएंगे एक आईआर रिसीवर। आईआर रिसीवर को हम हमेशा उल्टा लगाते हैं और इसको हम डायरेक्ट यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि मान लीजिए मैंने एक बैटरी लगाई है यहाँ पे और यहाँ पे एक मैंने आईआर रिसीवर लगा दिया। अब ये क्या होगा, इसकी रेजिस्टेंस अभी बहुत हाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब इस पर आईआर रेज बढ़ेगी इस पर तो इसकी रेजिस्टेंस कम होगी और वो बैटरी के साथ वो शॉर्ट हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे यूज़ नहीं कर सकते डायरेक्ट, हमें यहाँ पे एक रजिस्टर यूज़ करना होगा। ये रजिस्टर इसको बचाने के लिए नहीं है, हमें बैटरी को बचाने के लिए है। और साथ ही साथ हमें एक वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा यहाँ पे, और यही वोल्टेज ड्रॉप आगे ऑपरेटर को जाएगा। देखिए होगा क्या, जब इस पे लाइट पड़ेगी, ये बिल्कुल लाइट कुछ सर्किट में कुछ ऐसा लगाएंगे हम, अभी सिर्फ कनेक्शन ऐसे देखिए, जब ये आईआर लाइट एलईडी ऑन रहेगी तो यहाँ से लाइट निकलेगी। जब ऑब्जेक्ट से टकरा के इस पे जाएगी, इसकी रेजिस्टेंस कम होगी, और जैसे इसकी रेजिस्टेंस कम होगी और इसकी रेजिस्टेंस, हम यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस का एक रेजिस्टर लगाते हैं, 100 किलो ओम्स का लगा लेते हैं। अब इसके और इसके बीच में जो रेजिस्टेंस की वेरिएशन होगी, ये तो स्टील रहेगा, इसकी जो वेरिएशन होगी तो यहाँ पे वोल्टेज में चेंजेस आएंगे। जैसे जैसे इसकी वोल्टेज बढ़ेगी, इसकी रेजिस्टेंस घटेगी बढ़ेगी, यहाँ वोल्टेज में भी चेंजेस आते जाएंगे। इसकी रेजिस्टेंस घटती जाएगी, यानी कि घटेगी कब, जब ऑब्जेक्ट बहुत नज़दीक आएगा इसके। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इसके नज़दीक आएगा, लाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो और ज़्यादा बढ़ेगी इसके ऊपर, और इसकी रेजिस्टेंस कम होती जाएगी, और ये पॉजिटिव के ज़्यादा नज़दीक होगा ये वाला पॉइंट, और इसके नेगेटिव के थ्रू कम, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस मिलेगा, ज़्यादा मुश्किल होगी, रेजिस्टेंस है यहाँ से, तो यहाँ पे हमें वोल्टेज बढ़ती हुई मिलेगी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नज़दीक आएगा, वोल्टेज यहाँ बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे वोल्टेज का बढ़ना, मान लीजिए यहाँ पे हमें एक वोल्टेज मिली, हम यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा देते हैं। अब ये वाला पॉइंट अगर हमने इससे जोड़ दिया, और यहाँ पे हमने एक लगा दिया एलईडी, मान लीजिए हमने यहाँ पे एक एलईडी लगा दी है, सॉरी उल्टा लगा दिया मैंने यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे हमने एक बल्ब लगा दिया है और पावर सप्लाई दे दी और इसको ऑन कर दिया। अब इससे क्या होगा, जैसे ये वोल्टेज इस पे जाएगी, ये हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ पे पंप लगा दें तो ये या मोटर लगा दें तो मोटर ऑन हो जाएगा, लेकिन हम इसको ऐसे ऑन नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए यहाँ पे वोल्टेज बढ़ती रहेगी धीरे धीरे या घटती रहेगी ऑब्जेक्ट के पास या दूर जाने पे, लेकिन हमें चाहिए या तो वो ऑन हो फुल स्पीड पे या फिर ऑफ हो। तो हम ऐसे में यूज़ करते हैं ओप एम्प। ओप एम्प के बारे में आपने पढ़ा हो तो ये ऐसा होता है कि ये बेसिकली ये हमारा पॉजिटिव सप्लाई देंगे हम इसको, अभी मैं बताता हूँ ओप एम्प क्या होता है, और इसको नेगेटिव या ज़ीरो। देखिए ओप एम्प कुछ इस तरह से होता है कि अगर आपने पॉजिटिव और नेगेटिव इनपुट, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है इनपुट, और ये इन्वर्टिंग इनपुट होता है। मान लीजिए आपने 9 वोल्ट की सप्लाई यहाँ दे दी और -9 वोल्ट की यहाँ पे दे दी। अब अगर आपने नॉन इन्वर्टिंग पे कुछ वोल्टेज दी, सपोज यहाँ पे 1 वोल्ट दिया, तो क्या होगा, इसकी आउटपुट पे मैक्सिमम 9-9 वोल्ट मिलेगी आपको। मैक्सिमम पावर की जो नेगेटिव पावर होगा वो मिलेगा, इन्वर्टिंग इनपुट पे दिया आपने तो मैक्सिमम जो नेगेटिव पावर होगी वो मिलेगी आपको। और अगर 1 वोल्ट यहाँ दिया, इस वक्त दोनों पे 1 वोल्ट है, यहाँ पे 0 मिलेगी, और अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा दें तो आपको मैक्सिमम पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी। यानी कि एक तरह से ये तराजू की तरह है, बैलेंस की तरह है ये। मान लीजिए अगर आपकी वोल्टेज इस तरफ ज़्यादा है तो आपको ये वाली सप्लाई मिलेगी, इस तरफ ज़्यादा है तो आपको ये वाली सप्लाई मिलेगी। तो आउटपुट पे डिपेंड करता है कि इन दोनों में से किस पे पावर ज़्यादा है। अगर पॉजिटिव पे पावर ज़्यादा है तो यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगी, नेगेटिव पे पावर ज़्यादा है तो आपको नेगेटिव मिलेगी। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने यहाँ पे जो इसका सप्लाई है यहाँ पे 9 वोल्ट माइनस नहीं दिया, यहाँ पे 0 दिया है। तो हमें 0 और कुछ पावर, हमें दो यही पॉइंट चाहिए, एक ग्राउंड चाहिए, यानी कि जिसको हम 0 बोलते हैं उसको हम ग्राउंड भी लेके चल सकते हैं, तो और उसके अप्रोक्स हमें यहाँ पे कुछ पावर मिले, यानी कि कुछ पावर मिले तो हम चाहते हैं कि ये हमारा पॉजिटिव वाले पे जाए। क्योंकि अगर हम नेगेटिव वाले पे देंगे और हमारा कोई ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करेगा तो ये तो माइनस में, यानी कि 0 दे देगा हमें यहाँ पे, पर हमें 0 नहीं चाहिए। ठीक है, हमारा ये सर्किट लगभग लगभग तैयार है। अब जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट लाइट के सामने आएगा तो हमारा ट्रांसमिट रिसीवर जो है लाइट की इंटेंसिटी को रिसीव करेगा और यहाँ पे कुछ वोल्टेज बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे यहाँ की वोल्टेज बढ़ेगी, यहाँ पे वोल्टेज बढ़ने के साथ साथ इस पे पावर मिलेगी और आगे हमारा सिस्टम ऑन हो जाएगा। लेकिन
ऑप एम्प बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। अगर आप बात करें, अगर दोनों की, अगर इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग की बात करें, अगर 0.001 वोल्ट भी आया वहाँ पे 0.000 के अप्रोक्स अगेंस्ट, तो हमारा ये स्विच कर देगा। तो इसमें हम डायरेक्टली इसको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बहुत हर तरह की लाइट में आईआर रेडिएशन होती है, सनलाइट में भी होती है, डे लाइट जो हम देख रहे हैं इसमें भी होती है, हर तरह के बल्ब में भी आपकी आईआर रेडिएशन, आईआर रेज निकलती है। तो हम नॉन इन्वर्टिंग पे एक पोटेंशियल क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे हम एक यूज़ करेंगे एडजस्टेबल या फिर वेरिएबल रजिस्टर। इसको आप एडजस्ट करके यहाँ पे 0 से 9 वोल्ट के बीच में कोई एक वोल्टेज रख सकते हैं। आप पोटेंशियोमीटर के बारे में जानते हैं, उसको आप बढ़ा कर या घटा कर आप उसकी यहाँ पे वोल्टेज सेट कर सकते हैं। सपोज आपने यहाँ पे 5 वोल्ट कर लिया सेट, अब ऑब्जेक्ट जब तक नज़दीक आता जाएगा और उतना नज़दीक ना पहुँच जाए कि यहाँ का पोटेंशियल जो वोल्टेज है यहाँ की वो 5 वोल्ट से थोड़ा सा ऊपर ना हो जाए, तब तक हमारा ये ऑपरेटर ऑन नहीं करेगा आगे, सिस्टम पावर नहीं देगा ओप एम्प। तो इसकी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, लाइट की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग आप इसकी पोटेंशियोमीटर के थ्रू यहाँ का वोल्टेज सेट कर सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट कितना नज़दीक आए लाइट के कि हमारा आगे सिस्टम ऑन हो जाए। तो यहाँ की वोल्टेज सेट करके, यूँ समझिए आप यहाँ की वोल्टेज सेट करके आप डिटेक्टर को ये सिग्नल सेट कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कितना नज़दीक आए लाइट के तो हमारा सिस्टम ऑन हो जाए। इसके बाद आपके पास जब यहाँ पे पावर मिलेगी कोई ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करके, तो आप यहाँ पे मोटर लगा सकते हैं, पर डायरेक्ट मोटर ना लगाएं तो बढ़िया है, आप इसको यूज़ कीजिए एक यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर। मैंने उसमें ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज़ किया था। अब इसमें क्या होगा, जब ये स्विच करेगा तो हमारा इस आईसी के थ्रू ज़्यादा करंट फ्लो नहीं होगा, वो होगा फ्लो इसके थ्रू। और यहाँ पे मैंने लगाया था मोटर पंप और ये सप्लाई दे दी थी मैंने इसको। अब क्या होगा, जैसे ही इसने पावर दी, इसको यहाँ पे एक रजिस्टर ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि ज़्यादा करंट ना फ्लो हो, हमें सिर्फ वोल्टेज चाहिए यहाँ पे। तो एक रजिस्टर की, तो अब ये इस ट्रांजिस्टर को ऑन करेगा, और जैसे ही ये ट्रांजिस्टर ऑन होएगा हमारा इस आईसी के थ्रू मोटर ऑन हो जाएगा, सॉरी इस पावर के थ्रू मोटर ऑन हो जाएगा और यहाँ पे ग्राउंड हो जाएगा। तो हमारा ये सर्किट है जो मैंने यूज़ किया है सैनिटाइजर वाली मशीन में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आप भी बनाना ज़रूर चाहेंगे इस सर्किट को, तो बनाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, जय हिंद।